से आदमी का इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। किसी डॉक्टर से जाकर के पूछो, वो आपको बताएगा कि शराब पीने से आदमी का ह्यूमन सिस्टम जो है कितना वीक होता है। अगर उनको लगता है कि दारू से स्ट्रॉन्ग होता है, फिर तो ये सारी दुनिया में खुल जाती है। फिर पंजाब में क्यों बंद है, फिर हमारे साथ लगता है दिल्ली में क्यों बंद है, राजस्थान में क्यों बंद है। कहीं जिक्र नहीं है इस बात का किसी भी स्टेट में कि शराब के ठेके खोल दिए जाए। हमारे यहाँ ले दे के लगातार सरकार को एक ही बात की चिंता है कि शराब के ठेके खुलने चाहिए। इसका मतलब ये है कि शराब का माफिया जो है वो सरकार पे बहुत ज़्यादा हावी है, या इस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है उस मिनिस्टर को इस बात की भी चिंता हो सकती है कि उसके जो नाना है चौधरी भीम सिंह जी जो है वो शराब के ठेकेदार रहे, और उनके अब की बार प्रदेश में बहुत सारी जगह तो साइलेंट पार्टनरशिप कर रखी है और बहुत सारी जगह उनकी अपनी फर्म के नाम से पार्टनरशिप है। खैर, मुझे लगता है कि उनको उनकी ज़्यादा चिंता है, हरियाणा प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं है, इसलिए बारी बारी से शराब के ठेकों को खोलने की बात कही जा रही है।